कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले लखनऊ की खबर है, जहां डीएम ने नाका क्षेत्र का निरीक्षण किया। लखनऊ में जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, जिसके चलते आए दिन कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार राजधानी में बढ़ती ही जा रही थी, जिसको देखते हुए जहां जहां से कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं, उस एरिया को हॉटस्पॉट एरिया कर दिया गया और सील एरिए में चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद की गई है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने सील एरिए का लिया जायजा। साथ में नाका इंस्पेक्टर सुजीत कुमार दुबे और एसएसआई रंजीत सिंह भी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां थाना गाजीपुर के अंतर्गत अरावली मार्ग पर प्राइम पैलेस अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। आपको बता दें कि अरावली मार्ग पर प्राइम पैलेस अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। अपार्टमेंट के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अगली खबर हरदोई जिले की है, जहां हरदोई जिले के संडीला को एहतियातन कोरोना वायरस के चलते 3 दिनों तक सील किया गया है। इस दौरान मेडिकल टीम लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। हरदोई जिले की तहसील संडीला के अंतर्गत नगर संडीला में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। डीएम पुलकित खरे के निर्देशानुसार एसडीएम मनोज श्रीवास्तव, सीओ अमित श्रीवास्तव, संडीला कोतवाली प्रभारी जगदीश यादव, कस्बा चौकी प्रभारी ओम प्रकाश, चौक चौराहा प्रभारी आदित्य मौर्य समेत पुलिस कर्मी और सभा सदों की मौजूदगी में लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ ही लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की जा रही है। इसी क्रम में हमारे संग जो इस समय मौजूदा डॉक्टर्स की टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ डॉक्टर्स, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से मैम ये किया जा रहा है? ये पूरे घर सारे घर घर में जाके स्क्रीनिंग की जा रही है, हर एक बच्चे की और मतलब छोटे बच्चे से लगाकर बूढ़े तक सबकी स्क्रीनिंग हो रही है। उसमें टेम्परेचर, खांसी और जिसकी सांस फूल रही हो, ये मतलब सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। और घर में बताया जा रहा है कि आप ठंडा पानी मत पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, घर में साफ सफाई रखिए और अगर आप और मास्क लगा के रहिए। लोगों की तरफ से किसी प्रकार का कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सहयोग दे रहे हैं सभी लोग। हाँ, सभी लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि जानकारी हमें डॉक्टर्स की तरफ से हमें प्राप्त हुई कि सभी लोग अपना समर्थन कर रहे हैं और अच्छे से अपना समर्थन करके अपनी जानकारी से स्क्रीनिंग की जा रही है और परिवार के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।